निवृत्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज संसद की ओर से दी जाएगी विदाई। नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण को लेकर झारखंड में खासा उत्साह, 40 लोक कलाकारों का दल दिल्ली रवाना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे, चांडीराव नगर उटारी अनुमंडलीय कोर्ट का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली में झारखंड पर्यटन नीति का करेंगे शुभारंभ। वीकेंड गेटवे के साथ माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने पर सरकार का रहेगा ध्यान। और सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की तैयारी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया पलामू प्रमंडल का दौरा, किसानों को फसल राहत योजना का मिलेगा लाभ। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी। और अब समाचार विस्तार से। देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। उनके शपथ ग्रहण को लेकर झारखंड समेत देशभर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज शाम निवृत्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संसद के केंद्रीय कक्ष में विदाई दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम संसद सदस्य उपस्थित रहेंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात नई दिल्ली में निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई रात्रिभोज का आयोजन किया गया। यह रात्रिभोज अपने आप में अनूठा था, क्योंकि इसमें विशिष्ट व्यक्तियों की भीड़ मात्र नहीं थी, बल्कि देश के सभी हिस्सों से आए लोगों की भागीदारी थी। इसमें अनेक पद्म पुरस्कार विजेता और जनजातीय नेता भी शामिल हुए। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड की आदिवासी संस्कृति और परंपरा की भी झलक देखने को मिलेगी। आदिवासी संस्कृति की झांकी प्रस्तुत करने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के तालसा गांव से 40 लोक कलाकारों का जत्था टाटानगर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय की ओर से पूर्वी सिंहभूम जिले के तालसा गांव के 40 सदस्यों वाली नृत्य मंडली को दिल्ली आमंत्रित किया गया है। इस टीम का नेतृत्व पिंटू चकिया कर रहे हैं। दिल्ली रवाना होने से पूर्व पिंटू चकिया ने बताया कि अपने पारंपरिक साजो सामान के साथ वे शपथ ग्रहण की गवाह बनेंगे। और ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता है, हम लोगों को मौका मिल रहा है शपथ ग्रहण समारोह में। वहाँ पे हम लोगों का ट्रेडिशनल कुछ है, उसी को वहाँ पे हम लोग प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जा रहे दिल्ली और शपथ ग्रहण देखने के लिए, और हम लोग इन्वाइट भी किया हुआ है अभी हम लोग स्वागत के लिए। लेकिन गर्व की बात है, यहाँ पे हम लोग पहली बार जा रहे हैं दिल्ली, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है और हम लोग इतना खुशी में है कि बताने भी या जताने भी नहीं सकते हैं कि हम लोग बहुत खुशी में हैं। टीम में शामिल अन्य महिलाओं और पुरुषों में भी काफी उत्साह देखा गया। उनका कहना है कि यह गौरव की बात है कि एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो रही है। जो कला एवं संस्कृति है, जो हमारा दोंग लांगड़े टाइप का नाच होता है, उसी में, क्योंकि आज देश में सर्वोच्च पद पर हमारे समाज से एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, बनी है, इसलिए उसी खुशी से हम लोग दिल्ली की ओर जा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को दिल्ली के संसद भवन में होने वाला है। इसे लेकर झारखंड में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई और शुभकामना देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। रांची में एक ऐसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को अपने तरीके से शुभकामना देने की कोशिश की है। रांची के रहने वाले एक मूर्तिकार राजेश कुमार प्रजापति करोड़ों देशवासियों की तरह इस बात से खुश हैं कि कभी झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू अब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली हैं।
एक कलाकार होने के नाते राजेश कुमार प्रजापति ने सामान्य से दिखने वाले मिट्टी में अपनी सारी कला को समेटकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मूर्ति बना डाली। इनका एक सामने से नजीक से देखे हुए थे, अब ये जो है कि हमारे राष्ट्रपति बन चुकी है तो मैं भी एक मूर्ति इनका ये बनाया और उसके बाद में इन्हीं के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। द्रौपदी मुर्मू जब झारखंड की राज्यपाल थी तब एक कार्यक्रम के दौरान मूर्तिकार राजेश कुमार प्रजापति ने एक कलाकार की हैसियत से उनसे मुलाकात की थी। अभी इस मूर्तिकार की चाहत है कि वह राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एक बार फिर से मिलकर उन्हें शुभकामना दे और अपने हाथों से बनाई गई मिट्टी की मूर्ति उन्हें भेंट करे। उन्हें को मैं एक मूर्ति बनाया द्रौपदी मुर्मू का और इस मूर्ति को मैं उनको गिफ्ट करना चाहता हूं और उनसे मैं एक बार मिलने का इच्छा जागृत करना चाहता हूं। नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मूर्ति बनाने के पीछे राजेश कुमार प्रजापति ने अच्छा खासा समय लगाया है। वे बताते हैं कि जब से उन्हें पता चला था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में खड़ी हुई हैं, तभी से वह मूर्ति बनाने में जुट गए थे। चुनाव का ये तैयारी हुआ तब से मैंने ये मूर्ति बनाना भी स्टार्ट किया और ये झारखंड की मिट्टी से है और मैं ये झारखंड का मिट्टी से ही मैं द्रौपदी जी का मूर्ति बनाया हूँ। मूर्तिकार राजेश कुमार प्रजापति की पत्नी सीता देवी भी बेहद खुश हैं कि उनके पति द्रौपदी मुर्मू की हूबहू मूर्ति बना रहे हैं। महामहिम की मूर्ति बनाने में सीता देवी भी अपने पति का पूरा सहयोग कर रही हैं। लोग फ्री बनाना शुरू किए तो थोड़ा बहुत होता है कि कुछ ऐसा होता है तो देखना पड़ता है ना पीछे, वो तो बना रहे हैं लेकिन हम लोग को भी थोड़ा सा डायरेक्शन देकर थोड़ा सा बताना पड़ता है कि इधर से इधर कीजिए, तो इस हिसाब से फिर हम लोग इनका सहयोग करते हैं पूरा परिवार मिलकर। कहते हैं कि कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करता है। रांची के इस मूर्तिकार ने भी कुछ ऐसा ही सोचा समझा और मन मस्तिष्क में नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की छवि को समेटकर मूर्ति का शक्ल देने की कोशिश की है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना आज झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। उन्होंने झालसा और झारखंड जुडिशियल एकेडमी के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अनुमंडलीय न्यायालय चांडिल और नगर उटारी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका पर प्रकाश डाला। थैंक यू माय लॉर्ड्स। नाउ मेंबर सेक्रेटरी ऑफ झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी लैंड एडवोकेट जनरल रंजन लॉ ऑफिसर्स एंड ग्रेशियस प्रोसेस ऑफ जजेस जुडिशियल ऑफिसर्स Registrar General and other registrars of the High Court of Jharkhand, students of National University of Study and Research in Law, Ranchi, media persons, other distinguished guests, ladies and gentlemen, very good morning to all of you. I congratulate and happy to note that Jharkhand High Court, in celebration of Golden Jubilee of setting of the Circuit Court bench at Ranchi in the year 1972, on the As a part of that celebrations, today we inaugurated two subdivisional courts at Chandali and Nagar Utari. I congratulate the judiciary of Jharkhand. झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 21,411 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 20,726 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,50,100 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 19 के 218 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 156 लोगों ने कोरोना को हराया। राज्य में फिलहाल कोरोना के 1,232 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.51% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2,01,75,22,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
मानसून की बेरुखी के कारण राज्य के कई जिले सुखाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। लोहरदगा जिले में महज 18% ही बारिश हुई है और केवल 10% धान की बुआई ही हो सकी है। धान रोपनी का मौसम है लेकिन खेतों में दरारें पड़ रही हैं। लोहरदगा जिले में मानसून की बेरुखी के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के किसानों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। किसान अब भी बारिश के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। यहाँ पर फसल हो नहीं सक रहा है और बारिश नहीं होने के कारण से सब बीड़ा खेत में सूख जा रहा है, इससे सब किसान को बड़ी मुसीबत झेलना पड़ रहा है। पानी तो खेत में है, ये होवे नहीं कर रोपेंगे। जिले में सुखाड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासनिक कसरत शुरू कर दी गई है। जिले के उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि सुखाड़ की आशंका से निपटने के जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और बरसात को लेकर के जो अभी स्थिति बन रही है तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अच्छी बरसात होगी और यदि इस तरह की स्थिति होती है कि जो है बरसात जरूरत से कम होती है तो उसको निपटने के लिए भी आपदा प्रबंधन के माध्यम से प्लान बना करके उसको निपटा जाए। इस बीच राज्य के वित्त मंत्री और लोहरदगा के विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार की स्थिति पर पैनी नजर है, जल्द ही किसानों के लिए राहत कार्य की घोषणा की जाएगी। अभी भी कोई सरकार रहेगी तो बना हुआ है ड्रील कि क्या करना है कैसे करना है। अभी जगह जगह से रिपोर्ट सरकार जरूर मंगा रही होगी संबंधित विभाग मौसम विभाग से और अगर इस तरह से हो गया सुखाड़ हो गया तो सरकार जरूर इसको संज्ञान में लेगी और लोगों को मदद करेगी। मौसम की बेरुखी की वजह से लोहरदगा ही नहीं पूरे राज्य की स्थिति बेहद खराब है। पूरे राज्य में अब तक औसत से 48% कम बारिश हुई है। इस कारण दलहन तिलहन मोटा अनाज और अन्य फसलों की खेती भी कमजोर पड़ गई है। राज्य के 24 में से 16 जिलों में धान का बिचड़ा लगाने का काम काफी धीमा है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। देश में मंकीपॉक्स का तीसरा मामला सामने आया है। 6 जुलाई को यूएई से केरल पहुंचे व्यक्ति में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज जनजातीय सांसदों और पद्मश्री विजेताओं के साथ संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के विकास रोडमैप पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली में झारखंड पर्यटन नीति 2021 का शुभारंभ करेंगे। इसकी मेजबानी पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज करेगा। इस नीति के तहत वीकेंड गेटवे के साथ धार्मिक इको एडवेंचर वेलनेस रूरल और माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने पर सरकार ध्यान केंद्रित होगा। एक थे बिहार के दशरथ मांझी जिसने पत्नी से इस कदर दिल लगाया कि उसके दुख को दूर करने के लिए पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता तैयार कर दिया और एक हैं नंदन चक्रवर्ती जिन्होंने अपना जीवन देवघर आने वाले कांवरियों की सेवा में समर्पित कर दिया है। प्रेम में जो शक्ति होती है वो इंसान में इस कदर जोश और जुनून भरती है कि एक आम आदमी खास हो जाता है। ऐसे ही हैं धनबाद के रहने वाले नंदन चक्रवर्ती। नंदन भगवान भोलेनाथ की प्रीत में इस कदर रम गए हैं कि कांवरिया पथ को श्रद्धालुओं के लिए सुगम बनाने की मुहिम में जुट गए हैं। लोहे के एक छोटे सरिया के सहारे 105 किलोमीटर के कांवरिया पथ से एक एक पत्थर खोदकर निकालना उनका मुख्य काम रह गया है। नंदन बताते हैं कि उन्होंने कांवरियों के लिए 95 किलोमीटर रास्ता सुगम बना दिया है। तो सब कुछ जल लेके जाते हैं, आप पूरे रास्ते में पत्थर उखाड़ रहे हैं, किस लिए? ये एक सेवा का तत्पर से हम निकले हैं। हम 2016 में आए थे, ऐसे तो कांवर हम बहुत साल से लेके आ रहे हैं, लेकिन 16 में मेरा ही पैर में अगरबत्ती का जो जला हुआ है मेरा पैर को डैमेज कर दिया था।
सात आठ घंटा डैमेज होने के बाद हम सोचे क्यों ना अगर ये रास्ता कोई साफ कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, लाखों आदमी जा रहे इस रास्ता से, अगर इसमें कुछ सेवा हो जाए, बाबा की कृपा है। नंदन चक्रवर्ती एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते हैं। वे कई बार कांवर यात्रा कर चुके हैं। इस बार भी वे कांवर यात्रा पर निकले थे, लेकिन वे रास्ते के पत्थरों को हटाने में लग गए। नंदन के साथी कुंदन कुमार रमानी बताते हैं कि जब इनकी मुहिम पूरी हो जाएगी तब वे वापस सुल्तानगंज जाएंगे और जल भरकर कांवर यात्रा करेंगे। नंदन रमानी है। क्या मदद करते हैं इनका? इनके साथ चलते हैं मदद करते हुए, झंडा विजय झंडा लेके कांवड़िया का सेवा भी करते हैं। हाँ। कुल मिलाकर बाबा भोले की महिमा अपरंपार है, जो भक्तों में नई ऊर्जा का संचार करती है। और इसी ऊर्जा का कमाल है कि भोले के एक भक्त ने 105 किलोमीटर कांवरिया पथ को सुगम और सरल बनाने का बीड़ा उठा रखा है। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। राज्य में सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पलामू प्रमंडल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रमंडल के तीनों जिलों में अधिकारियों के साथ बैठक की और किसानों के साथ संवेदनशीलता के साथ खड़े रहने का निर्देश दिया। बैठक के बाद पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। इस बीच मौसम ने थोड़ी राहत दी है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवातीय तूफान का असर झारखंड में दिखने लगा है। इसके प्रभाव से राज्य में एक बार फिर मानसून के सक्रिय हो जाने की बात सामने आई। आज रांची समेत राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में निम्न दबाव का असर अगले 3 दिन तक रह सकता है। इससे कुछ जिलों में तेज तो कुछ जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत ने वेस्टइंडीज को पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 3 रन से हरा दिया। 309 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम ने 6 विकेट पर 305 रन ही बना सकी। कप्तान शिखर धवन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने कप्तान शिखर धवन के 97, शुभमन गिल के 64 और श्रेयस अय्यर के 54 रनों की बदौलत 7 विकेट पर 308 रनों का स्कोर किया, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 6 विकेट पर 305 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से काइले मेयर्स ने 75 तो शमरा ब्रुक्स ने 46 और ब्रेंडन किंग ने 54 रनों की पारी खेली। आखिरी ओवरों में रोमारियो शेफर्ड ने 25 गेंद पर उन्होंने नाबाद 39 रनों और अकील हुसैन ने 32 गेंद पर नाबाद 33 रन बनाए। दोनों ने 7वें विकेट के लिए 33 गेंद पर नाबाद 53 रनों की साझेदारी कर मैच को रोमांचक बनाया। भारत के लिए मोहम्मद सिराज,
शार्दुल ठाकुर और यजुवेंद्र चहल ने दो दो विकेट लिए। 100 साल पुराने बीसीजी टीके की बूस्टर डोज देने की तैयारी चल रही है। इसके केंद्र बिंदु में 6 से 18 वर्ष के बच्चों को रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट। क्या बीसीजी वैक्सीन के बूस्टर डोज से टीबी से बचाव हो सकता है? जी हाँ, इसी बात का आकलन करने के लिए आईसीएमआर के चेन्नई स्थित राष्ट्रीय टीबी अनुसंधान संस्थान, जो देश का सबसे बड़ा टीबी रिसर्च संस्थान है, बीसीजी वैक्सीन की बूस्टर डोज पर ट्रायल करने जा रहा है। अभी बीसीजी का टीका नवजात बच्चों को लगाया जाता है, लेकिन अब 6 से 18 साल की उम्र के बच्चों को बीसीजी का बूस्टर दिया जाएगा और उसके परिणामों पर अध्ययन किया जाएगा। रिसर्च में ये भी आकलन किया जाएगा कि किसी टीबी रोगी के संपर्क में आने पर बीसीजी वैक्सीन का बूस्टर डोज क्या उन्हें टीबी होने से बचा सकता है। ये रिसर्च उन बच्चों पर किया जाएगा जिनके घर में टीबी के मरीज हैं। बिटवीन द एज ऑफ 16-18 ईयर्स हाउसहोल्ड कॉन्टैक्ट, जो घर में कोई पेशेंट टीबी का पेशेंट है, उसके घर में बिटवीन 6-18 का कोई है, तो उसको बीसीजी बूस्टर देंगे, उसको फॉलो अप करेंगे, देखेंगे कि कितने दिन तक उसको टीबी की प्रोटेक्शन मिल रहा है उसके वैक्सीनेशन के साथ। ये रिसर्च 9,000 बच्चों पर की जाएगी। इन बच्चों को 2 साल तक निगरानी में रखा जाएगा। देश के 8 शहरों में ये रिसर्च की जाएगी। ये अध्ययन इसी साल अगस्त से शुरू होगा। बीसीजी का टीका बच्चे के जन्म से 1 साल के भीतर लगाया जाता है। बीसीजी का टीका सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान का हिस्सा है। बीसीजी की वैक्सीन बच्चों को टीबी से बचाने में बेहद कारगर है। केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। जाहिर है बीसीजी का ये बूस्टर डोज टीबी उन्मूलन की दिशा में एक कारगर हथियार हो सकता है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, चेन्नई। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने देश में पहला रेडियो प्रसारण बम्बई केंद्र से किया था। जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ये भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी समाचारों के साथ मनोरंजन का एक आसान माध्यम है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1927 में देश में पहली बार भारत की भारतीय प्रसारण कंपनी यानी कि आईबीसी नामक एक निजी कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाले आकाशवाणी ने एक लंबा सफर तय किया है। 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद सन 1930 में इन ट्रांसमीटरों को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया, फिर इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम देकर परिचालित करना शुरू कर दिया। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और 1956 में आकाशवाणी के नाम से इसे जाने जाने लगा। वहीं 2014 से पहले रेडियो का प्रचलन थोड़ा कम हो गया था, तभी भारत में रेडियो के माध्यम से एक ऐसे कार्यक्रम का प्रसारण आरंभ हुआ जिसने देखते ही देखते फिर से रेडियो को दिलों में जिंदा कर दिया। ये कार्यक्रम है मन की बात। आज शहर ही नहीं गांव कस्बों में भी मन की बात कार्यक्रम को काफी पसंद किया जाता है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू की प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। आयुक्त ने मेडिकल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय भवन के शेष बचे कार्य को पूर्ण करने और बुनियादी सुविधाएं बहाल करने का निर्देश दिया। पलामू के उपायुक्त ए दोड्डे ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। उपायुक्त ने एक एक कर सभी लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। खूंटी जिले में आयोजित 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने की। बैठक में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा समेत कई जनजातीय शामिल हुए। पूर्वी सिंहभूम जिले में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर महुआ शराब की 2 अवैध भट्टी ध्वस्त किया।
इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्पाद विभाग ने यह कार्रवाई पोटका, परसुडी, गोविंदपुर और साक्षी थाना क्षेत्र में की। हजारीबाग में जिला स्तरीय 3 दिवसीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने किया। इस मौके पर जिले के कई अधिकारी और जिला फुटबॉल एसोसिएशन संघ के महासचिव भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 जुलाई को हजारीबाग के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे केसीसी मेगा शिविर और विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त श्री यादव ने विभिन्न क्षेत्रों से अवैध खनन को लेकर प्राप्त शिकायतों की जांच की और कार्रवाई का निर्देश दिया। देवघर जिले के बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 18 दानपात्र को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। गिनती के पश्चात दानपात्र से 23,54,661 रूपये मिले। इसके अलावा 3 चांदी के सिक्के दान स्वरूप प्राप्त हुए हैं। पाकुड़ जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने महेशपुर एवं पाकुड़िया प्रखंड के विभिन्न चेक नाकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अवैध परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ में पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे। सोना सोबरन योजना को लेकर पाकुड़ जिले में विशेष अभियान चलाकर कार्डधारियों के बीच धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने महेशपुर प्रखंड स्थित विभिन्न वार्डो के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण भी किया। गुमला जिले में उपायुक्त सुशांत गौरव ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इसके लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। विराजमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज संसद की ओर से दी जाएगी विदाई। नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण को लेकर झारखंड में खासा उत्साह। 40 लोक कलाकारों का दल दिल्ली रवाना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। चांडिल और नगर उटारी अनुमंडलीय कोर्ट का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली में झारखंड पर्यटन नीति का करेंगे शुभारंभ। वीकेंड गेटवे के साथ माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने पर सरकार का रहेगा ध्यान। और सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की तैयारी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया पलामू प्रमंडल का दौरा। किसानों को फसल राहत योजना का मिलेगा लाभ।